SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है ये बेसिकली अभी जो नया फीचर है ये आपका जो है इसके ऊपर डिपेंड हो चुका है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के जरिए हम बहुत आसानी से बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हमारे लिए जो है ये काफ़ी एक अच्छा फीचर आ गया है, सो दैट कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और हम बहुत आसानी से पूरे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे काम जो है वो कर पाएंगे। और ऐसे में हमारा जो टाइम एक एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने में जाता है, अब हमारे पास वो टाइमिंग जो है बिल्कुल बच जाएगा, तो वो जो टाइमिंग है हम अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को फोकस कर सकते हैं उस टाइमिंग के अंदर। सो अगर हम ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की बात करें तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर जो आपके तीन जो आपके प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, ये आपके हर डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। यानी कि ट्रेडिशनली अगर आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो आपको राउटर के अंदर जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और जो डेटा प्लेन है, जो आपका मैनेजमेंट प्लेन, यानी कि जो आप बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप उसको कमांड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। कंट्रोल प्लेन जो आपने उसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स डाले हैं ये उसके ऊपर में काम करते हैं, राइट। बेस्ट पाथ का जो आपका रूट है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। डेटा जो है जो आपके रूट फाइंड आउट किए गए हैं उसके जरिए डेटा को ट्रैवल करने के लिए, डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेटा प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर जो आपके तीनों फीचर्स हैं ये आपके हर डिवाइस के ऊपर ऑन डिवाइस अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि आज की डेट की रिक्वायरमेंट, जो आज के बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है, वो ये बोलते हैं कि आपका जो टाइमिंग है वो कम होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन करने का, इसीलिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आपको काम में आएगी। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या करा गया, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, एक सर्वर बना दिया गया जिसके ऊपर में जो भी डिवाइस का जो कंट्रोल प्लेन है वो आपका शिफ्ट कर दिया गया है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर। अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है वो आपका एक बन गया कंट्रोलर। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मल्टीपल डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करेगा। अब आपको से फॉर एग्जांपल कि आपको जो है OSPF कॉन्फ़िगर करना है, राइट, तो आपके पास में तीन या चार राउटर हैं, तो आपको ट्रेडिशनल वे में आपको तीन चार राउटर के ऊपर में सब पे जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंट्रोलर बेस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक जगह पे कॉन्फ़िगर करना है, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से कमांड्स जो है वो सभी राउटर्स को सेंड कर देगा और सभी राउटर के ऊपर में वो आपका पर्टिकुलर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा, राइट। और जो उसी कंट्रोल प्लेन को जो है इंस्ट्रक्शंस की वजह से आपका जो डेटा प्लेन है वो आसानी से जो है आपके सारे डिवाइसेस के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। तो ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग विच इज़ अ फीचर। ऑफकोर्स इसी के जरिए हम बहुत आसानी से बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास टाइम बच जाएगा और उस टाइम का इस्तेमाल हम अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी वगैरह में, जो अदर वर्क जो हमारे पास पेंडिंग है उसके अंदर हम अपना उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।